बड़ी लंबी उम्र है आपकी, तो 100 साल लिखवा कर आए हैं। अंकल खाला जी आप भी का जिक्र कर रही थी, आइए। किधर है? अंदर है। कल आपकी तरफ आ रही, तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब कैसी? अब बेहतर है, आइए वरना वो खुद ही बाहर आ जाएंगी। आइए देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके लिए। मैं कंपटीशन जीत गया। वाकई मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैंने काफी इंतजार किया आपका, लेकिन फिर सोचा अच्छा कि आपने ना आकर, बहुत रश था वहाँ पे। बेटा मैं आना तो बहुत चाह रही थी, लेकिन क्या करूँ, कुछ तबीयत मेरी ऐसी हो गई कि आना नहीं हुआ। तुम्हारे घर वाले तो बहुत खुश होंगे ना? जी, जिनके लिए मेरी खुशी है मैं, वो सब बहुत खुश हैं। अरे रज्जू खड़ी खड़ी क्या देख रही हूँ, जाओ कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, हम सैफ की जीत की मिठाई खाएंगे भाई। खाला जी आपको मिठाई मना है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अरे पता है मुझे, बेफिक्र मैं मिठाई खाने से मरूंगी नहीं, और अगर किसी की खुशी बांटने से शुगर लेवल बढ़ता भी है, बढ़ने। ये एल्बम आपका? हाँ मेरा, मेरे माजी का है। इसमें कुछ यादें कुछ दुख छुपे हैं। मैं देख लूं? हाँ हाँ बेटा जरूर जरूर। थैंक यू। वाह आप तो बड़ी ग्रेसफुल थी, किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही आप। हेलो। हाँ हाँ आ रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। अच्छा यार कमिंग। वो कुछ क्लास फेलोज ने मुझसे ट्रीट मांगी थी, मुझे जाना पड़ेगा, वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जरूर जाओ बेटा जरूर जाओ। मैं चलता हूँ। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना और चाय उधार रही। हाँ इंशाल्लाह मैं फिर जरूर आऊंगा, बल्कि मैं अपनी अम्मी को भी साथ लेकर आऊंगा। जरूर जरूर जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज बेटा। हमारी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक मास पे तो लड़ नहीं सकी, 2 मास पे लड़ोगी? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं शर्मी मजाक नहीं उड़ा रही, नहीं मैंने कितनी बार कहा था अम्मी को बता दो सुहेल के बारे में, खुद को मुश्किल में डाल लिया ना तुमने। अब मैं सोच रही थी कि बाबा आएंगे तो वो मेरी हिमायत करेंगे, मगर वो तो अम्मी की तरह खुद ही से फैसला किए बैठे। सुहेल सीरियस तो है ना तुम्हारे बारे में? अब ये शक क्यों पड़ गया तुम्हें? सब सुहेल ने आज तक किसी रिश्तेदार से नहीं मिलवाया तुम्हें, कोई तो होगा ना उसका? हाँ हाँ एक बहन है जो हैदराबाद में रहती है, रिश्ते की बात करने वही आएगी। कब आएंगी? जब पानी सर से गुजर जाएगा। अब इन हालात में तो नहीं बुला सकती ना सारा, ना बाबा कोई बात सुनेंगे और ना अम्मी। क्या खूबी नजर आती है सुहेल में? वही जो तुम्हें सैफ में नजर आता है। देखो शमी कभी सुहेल पे आंख बंद करके भरोसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि वलीद भाई और हसन भाई के रिश्ते से भी इनकार कर दिया जाए, सुहेल भी शराब साबित हो। इस बात का मतलब? मतलब ये सुहेल का घर बार देखा है तुमने कभी? कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े तुम्हें इस रिश्ते पर। मुझे ज्यादा हिदायत देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सैफ पे फोकस करो, ये ना हो कि जो तुम दौड़ पड़ती हो उसे गिफ्ट्स देने वो जाया हो जाए। मैं उसे गिफ्ट सिर्फ मोहब्बत के नाते नहीं देती हूँ, बल्कि इसलिए कि वो मेरा कजन है और उसे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तुमसे तो इतना नहीं हुआ कि उसे मिशी कर दो फोन करके। मुझसे ऐसी कोई तवक्को रखना भी मत, मुझे उस घर के किसी फर्द में कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय ना। बेटा मैंने और तुम्हारी दादी अम्मा ने ये फैसला किया कि हम तुम्हारे लिए शर्मिंदा का रिश्ता मानते हैं।
बेटा तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर मैं अपने फैसले से आऊंगा। बेटा पापा तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तुमको जवाब दोगे तो वो फैसला कर सकेंगे। बेटा जिंदगी गुजारने के लिए मिजाज होना जरूरी नहीं होता। सॉरी टू से मामा, आप चाहती हैं कि भाई भी ऐसे ही काबिले रहम जिंदगी जिए जैसे आप जी रही हैं। क्या सोच रहे हैं भाई? शर्मीन के बारे में सोच रहा हूँ। हद है बेबसी की कि शर्मीन जैसी लड़की के बारे में सोचा जाए। वैसे आपको लाइफ में कभी किसी ने इंस्पायर नहीं किया? अमार भी यही कहता है कि अगर किसी लड़की से मोहब्बत की होती तो उसका नाम लेके बच जाता। अमार से हिदमात लें भाई, वो नंबर्स की लिस्ट दे देगा आपको और फिर हो सकता है किसी ना किसी से प्यार हो ही जाए। नहीं सर, पापा इस दफा इतना इंतजार नहीं करेंगे, इसीलिए तो उन्होंने मामा को शामिल किया इस बात। भाई कहीं आप वाकई शर्मीन के बारे में सीरियस तो नहीं है? मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, शर्मीन हम सबसे नफरत करती है। मामा तो कह रही थी वो मुझसे मोहब्बत करती है। मामा वो कुछ नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। मामा ने ये बात इसलिए कही होगी कि उन्हें फूफो या दादी माँ से किसी ने कही होगी। ऐसी क्या बात है सर जो तुम जानते हो और मामा नहीं जानते? एक रोज मैंने शर्मीन को सारा से ये कहते हुए सुना था कि वो मामा की इंसल्ट इसलिए करती है कि मामा उसको अपनी बहू बनाने से इनकार कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि शर्मीन भी यही चाहती है कि मैं इनकार कर दूं इस रिश्ते से। जी भाई, और अगर आपने इनकार ना किया तो ना जाने वो खुद से लड़की क्या करेगी। जरूरी बात करनी थी, टाइम है आपके पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो। थैंक यू। बोलो। पापा, मामा ने मुझसे शर्मीन के हवाले से बात की थी, वो भी वही चाहती हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। और तुम क्या चाहते हो? कल के बाद करो। पापा मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अगर तुम इनकार करने आए हो तो तमहीद की जरूरत नहीं। नहीं पापा, मैं इनकार करने नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे इनकार से काफी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से इखलास समझूं। एक बात बताएं। बोलो बेटा। आप शर्मीन को अपनी बेटी समझते हैं ना? हाँ, मैं उसे बेटी ही समझता हूँ, इसीलिए तो बहू बनाकर उसे अपने घर लाना चाहता हूँ। बहू या बेटी होने के नाते पापा आप ये हक रखते हैं ना कि आप खुद शर्मीन से उसकी मर्जी पूछ लें। शर्मीन की मर्जी जानकर ही सलमा आपने बात की। ऐसा नहीं है, फूफो ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर आपसे ये बात की है। तुम क्या चाहते? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एक बार आप खुद शर्मीन की मर्जी जान लें, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। सलमा, तुमने अपने भाई और माँ को तो बता दिया है ना कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये बता के कि जिन पर वो प्यार लुटाते हैं उनकी तो नजरें ही कहीं और हैं। क्यों? शर्मीन का अगर कहीं और रिश्ता हो जाता है तो तुम्हारे माँ और भाई के प्यार में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? देखें, दाना लोग कहते हैं जिस रास्ते ना जाना हो उस रास्ते का पता नहीं पूछते, इसलिए ये बात मत छेड़ा करें। बात तो छेड़ेगी सलमा, क्योंकि मैं शर्मीन की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होने दूंगा। शर्मीन की मर्जी?
आपको क्या लगता है वो उस हसन के लिए मान जाएगी? अरे उससे तो शुरू से तुम्हारे भाइयों की फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो उसको वलीद में भी कोई नहीं। ये किसने कह दिया? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे शर्मीन ने खुद कहा है कि वो वली से शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो उसने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम किसी को कहने का मौका देती हो? वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई फरमत? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आओ आओ। हमारी आपा कहाँ? अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके में कुर्बान मेरा भाई आज इस वक्त। हाँ आओ बैठो। आपा मैं आप लोगों से एक जरूरी बात के लिए। अरे बहुत अच्छा हुआ आ गए, बल्कि मैं तो खुद आपसे कुछ मिलना चाह रहा था। जैसे चाहत होती है ना मिलने की, वो खुद चला जाता है। अब सरमद मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं आप मूड नहीं। बच्चे की तरह नजर ही नहीं आ रही। अरे वो शर्मीन को टेलर के पास जाना था तो सारा को भी साथ ले गई है। अच्छा अच्छा बदर भाई, आप कह रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, सब खैरियत तो है ना? हाँ वो सब खैरियत है। तुम बताओ तुम क्या बात करना चाह रहे थे? पहले बदर भाई की बात तो सुनो। अरे शर्मद तुम बता दो, तुम्हारी बहन ने कहाँ बात करने देनी है मुझे? बदर भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सब की ख्वाहिश थी शर्मीन और वलीद की शादी कर दी। ख्वाहिश थी, अब नहीं है क्या? अब कंफ्यूजन सी। कैसी कंफ्यूजन? आपने इस मामले में शर्मीन से बात की? अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि वलीद की ख्वाहिश है कि शर्मीन की रजामंदी जरूर पूछिए कि वो राजी है इस रिश्ते। वलीद बिल्कुल ठीक कहता है क्योंकि शर्मीन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। आप तो चुप ही रहे, आपको क्या पता किसकी मर्जी है किसकी नहीं है। अब सरमद तुम अपने दिल से सारे वहम निकाल दो। मुझे खुद बताया सरमद शर्मीन ने। असल में सरमद ये चाहते हैं कि शर्मीन का रिश्ता अपने बड़े भाई के घर में कर दें, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ सरमद जबान भी दे चुका हूँ मैं। आपने बहुत गलत किया बदर भाई, शर्मीन पे पहला हक हमारा है। तो मैं भी बहन की तरह मैं ही गलत नजर आता हूँ? जो तुम लोगों के जी में आता है कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। बदर भाई, बदर भाई मैं बात तो सुनिए। देखिए बात सुनिए, खाम खा नाराज होकर चले। कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं उनके पीछे जाऊं? अरे कहा ना आ जाएंगे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ वलीद ने तुमसे ये क्यों कहा कि शर्मीन की मर्जी मालूम कर ले, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि शर्मीन की मर्जी क्या है। वो यही समझता है कि शर्मीन इस रिश्ते पर राजी नहीं। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? वलीद का शर्मीन को ऑफिस के बहाने मिलने के लिए बाहर बुलाया करना, आधी आधी रात को फोन कॉल्स करना क्या मायने रखता है? अगर शर्मीन खुश ना होती तो इस तरह वलीद को लेट नाइट कॉल्स करने से मना ना करती? या शर्मीन उससे क्यों मिलने बाहर जाया करती? अगर ऐसी बात है अगर वलीद कंफ्यूज क्यों? वलीद के कान भरे गए होंगे जरूर, वरना वलीद ऐसी बात ना करता।
अच्छा अब मैं चलता हूँ। अगर तुम चाहो तो शर्मीन से इस मामले पे बात कर सकते हो। नहीं अब इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो इस बात का यकीन है कि शर्मीन ने ताया जी के सामने यही कहा होगा कि मुझे तो वलीद बिल्कुल नहीं पसंद। आई होप सो। अगर यही बात मैं कहता घर में तो बहुत अरसे तक टेंशन चलती रहती। भाईजान एक बात तो बताओ, तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगेगा अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करेगी? नहीं, क्योंकि मेरा नाम अमार नहीं। आई एम सीरियस भाईजान। मजाक में भी नहीं कर रहा। देख अमार, हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अख्तियार होता है। हेलो, कौन? ओ आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारा नंबर नहीं सेव हुआ हमारा। ओके बेबी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। जब तुम मेरे साथ होते हो ना हमारी, अपना फोन बंद रखा करो। मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन टेलीफोन कॉल से। इसलिए जनाब, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये रंगीनी जो नहीं है। मुझे ऐसी सो कॉल्ड रंगीनी चाहिए भी नहीं अपनी जिंदगी में। इसीलिए तो आप हालात के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज आपको भी ऐसी कोई लड़की कॉल करने वाली होती तो आप इस तरह मुंह लटकाए ना बैठे होते। फर्ज करो कोई होती तो फिर मैं क्या करता? करना क्या, दो बोल निकाह के पढ़वाते, ताई जी के सामने पेश कर देता, खुद ब खुद शर्मीन का ख्याल सबके दिल से निकल जाता। हाँ, शर्मीन का ख्याल पता नहीं दिल से निकलता या ना निकलता, मुझे जरूर घर से निकाल देते घर वाले। तो क्या हुआ, इश्क की राह में मुश्किलात तो आती हैं, और फिक्र करने की क्या बात, जब कोई मुश्किल आए आप पे तो मुझे याद कर लेना। हमारा तो एक काम क्यों नहीं करता भाई के लिए? तो शर्मीन के लिए अपना रिश्ता भेज देना, हो सकता है मेरी जान छूट जाए। भाई जान, आप बदुआ तो ना दो ना। आ जाएंगे तुम्हारे बाबा, बच्चे नहीं है जो घूम जाएंगे। मम्मी आप भी हमेशा उनसे गुस्से में बात करती हैं। गुस्से में बात करती हूँ तो ये हाल है, अगर प्यार से बात करूँ ना तुम लोगों से तो पता नहीं तुम लोग क्या करो मेरे साथ। मम्मी आखिर हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछ रही, अपनी इस मिसनी बहन से पूछो क्या किया है मैंने, क्या किया है सब जान गई हूँ मैं।